तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सौरभ जोशी के पास कुल 3 कार है, जिसमें एक इनोवा, दूसरी फॉर्च्यूनर, तीसरी थार। यही नहीं, अभी और सुनिए, ट्रैफिक देखो, चारों साइड ट्रैफिक, 1 किलोमीटर के 10 मिनट, और हम 20 मिनट से यहीं पे खड़े भाई, 20 मिनट से ट्रैफिक में एक ही जगह पे। तो दोस्तों आपने जो भी वीडियो में देखा, ये इनकी चौथी कार है, जिसका इंटीरियर कुछ इस तरह दिखता है। ये स्पीडोमीटर जो कि बार बार में वीडियो में दिखता है, आगे वाली क्लिप में आप स्पीडोमीटर देखना। तो अभी गाड़ी मिल गई है, अब निकलते हैं गाइस यहां से, 15 किलोमीटर, 39 मिनट। गाइस ट्रैफिक देखो, चारों साइड ट्रैफिक, 1 किलोमीटर के 10 मिनट, और हम 20 मिनट से यहीं पे खड़े भाई, 20 मिनट से ट्रैफिक में दिखा सही। तो गाइस सूरज देवता भी आ चुके हैं, हल्द्वानी पहुंचने वाले, जंगल आ चुका है। तो दोस्तों सौरभ जोशी ने न्यू कार खरीदी है, जिसका नाम बेलेनो है। ये कार इन्होंने 14 नवंबर को खरीदी थी, जिसका क्लस्टर कुछ इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों इसकी प्राइस का बात करें तो ये लगभग 11 लाख के अंदर मिलती है। तो दोस्तों इस कार के नंबर से हम आरसी का पता लगाएं तो ये सौरभ जोशी नाम से आरसी है। ये बता दें कि आपको ये जो कार है, इसके बारे में सौरभ जोशी बताना नहीं चाहते अपने ब्लॉग में। दोस्तों आपको तो सौरभ जोशी की फैन फॉलोइंग के बारे में पता ही होगा, जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ इनको अपने फैंस मिल जाते हैं। इसी कारण वे अपनी प्राइवेसी के कारण यह गाड़ी नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि दोस्तों सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, इसी कारण ये अपनी गाड़ी किसी को नहीं बताना चाहते और ये फ्रीडम रहना चाहते हैं। तो दोस्तों इनकी फोर्थ गाड़ी की थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो।